हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास थर्ड के मैथ्स के चैप्टर 9 हाउ मैनी टाइम्स को समझेंगे। लकी एनिमल्स, देयर आर 5 गोट्स, हाउ मैनी लेग्स ऑल टुगेदर। इसमें पिक्चर में आपको दिख रहा है 5 गोट्स हैं, उनके कितने लेग्स हैं ये पूछा गया है। अब आपको पता है गोट के कितने लेग्स होते हैं, 4 लेग्स होते हैं। अब तो इसमें इसको किस तरीके से लिखाया है, 4 + 4 + 4 + 4 + 4, यानी कि 4 जो है वो 5 टाइम्स दिया है, ठीक है। और हमें ये बात भी ध्यान रखनी है, जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो रिपीटेड एडिशन ही होता है, तो इसको हमने रिपीटेड एडिशन में लिखा है, ठीक है। 5 × 4 = 20। टेबल सभी बच्चों को याद होने चाहिए, थर्ड क्लास में है तो एटलीस्ट 15 तक टेबल सब बच्चों को लर्न होने चाहिए। तो आप डायरेक्ट टेबल पढ़ सकते हैं, और ये मल्टीप्लाई का साइन है, 5 × 4 = 20, यानी कि ये अगर हमने प्लस के फॉर्म में लिख दिया तो ये रिपीटेड एडिशन हो जाता है और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म हो गई है, और ये सिंपली मल्टीप्लाई हमने कर दिया, ठीक है। हाउ मैनी स्पाइडर्स, अब इसमें पूछा गया है कितने स्पाइडर्स हैं, कितने दिख रहे हैं आपको, 3। वन स्पाइडर हैज़ लेग्स, कितने हैं, एक स्पाइडर के कितने लेग्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि वन स्पाइडर हैज़ 8 लेग्स। इन ऑल स्पाइडर लेग्स आर 3 × 8, ठीक है। यानी कि कितने कितने जितने आपके स्पाइडर है उतने ही टाइम्स हो गए, 3 × 8। और हम इसे कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 8 जो है वो 3 times है, इसलिए हमने 8 को 3 times रिपीट किया है। 8 + 8 + 8 को भी अगर आप ऐड करोगे तो 24 होगा, और 3 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो 24 ही होगा। डू यू नो दिस लेगी फेलो, और वो कह रहे हैं कि क्या आप इस लेगी फेलो को जानते हैं, ये एक एक्टोपस है और वो सी में रहता है, और इसके कितने लेग्स हैं, 8 लेग्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो हाउ मैनी लेग्स ऑल टुगेदर डू 5 ऑक्टोपस हैव। फिर वो पूछा है कि 5 ऑक्टोपस के कितने पैर होंगे। अब आप इसमें देख लीजिए, 1 2 3 4 5 ऑक्टोपस हैं, यानी कि कितने टाइम्स हो गए, 5 times, कितने, 8। तो यहाँ पे उन्होंने लिख दिया 8 + 8 + 8 + 8 + 8, इसको हमने ऐड किया तो इसका आंसर 40 हो जाता है, ठीक है। तो ये 5 × 8 हो गया, 5 × 8, यानी कि 5 का टेबल आप 8 times पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 40, और 5 की मल्टीप्लाई हम 8 से कर देंगे तो ये हो गया 40। तो ये आपका ये रिपीटेड एडिशन है, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो मल्टीप्लाई को हम रिपीटेड एडिशन भी कहते हैं, यानी कि आप मल्टीप्लाई टेबल पढ़ने पर भी उतना ही आंसर आएगा, और उसको उतने टाइम्स आप रिपीट करेंगे तो भी उसका आंसर वही आएगा। अब है द नंबर विदाउट काउंटिंग, हाउ मैनी फ्लावर्स इन अ फ्लावर बेड। अब इसमें एक फ्लावर बेड है, इसमें फ्लावर्स लगे हुए हैं, इट हैज़ 4 columns, 4 columns है, 1 2 3 4, ये कॉलम्स होते हैं और ये रोज होते हैं। ईच कॉलम है 6 flowers, और हर इसमें 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने कॉलम है, 4, और हर कॉलम में कितने फ्लावर्स हैं, 6 flowers, यानी कि 4 × 6, 4 times क्योंकि कॉलम्स कितने थे, 4, तो 4 × 6 को मतलब है 6 को हमें 4 times लिखना है, तो 1 2 3 4, और बीच में एडिशन का साइन डाला, 24 हो गया, या 4 × 6, तो 24। अब इसको उन्होंने क्या किया, दूसरे तरीके से लिख दिया, यानी कि यहाँ पे तो अभी आपको कॉलम बताए थे, अब ये रोज़ में कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो कितनी रोज़ हो गई, 1 2 3 4 5 6 रोज़ हो गई, और हर रो में कितने फ्लावर्स हैं, 1 2 3 4, है ना, समझ में आ गया। तो 6 रोज़ हो गई और हर रो में 4 फ्लावर हो गए, तो इसको लिखने का जो तरीका है वो चेंज हो जाएगा, अब कितने हो जाएगा, 6 × 4 हो जाएगा, कितने टाइम्स है, क्योंकि ये 6 rows बनी है, तो 6 × 4, यानी कि हमें 4 को 6 times ऐड करना है, तो यहाँ पे उन्होंने 4 को 6 times लिख दिया, और यह हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 6 × 4 = 24। तो ये दो तरीके से था, एक कॉलम वाइज था और एक रो वाइज था। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट एग्जांपल है, अब आप इसमें देखिए, ये आपका बॉटल है, और इसमें देखिए अगर हम इसको ऐसे कॉलम में देखेंगे तो 1 2 3 4, और रोज़ में देखेंगे तो 1 2, देखिए ये रोज बन गई 1 2 3 4, ओके, और कॉलम में देखेंगे तो 1
2, 3, 4, 5। तो हम इसे दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम रोज़ को कर रहे हैं तो रोज़ में थोड़ा अलग चेंज हो जाएगा, कॉलम्स में कर रहे हैं तो कॉलम्स में कर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 5 times 4, यानी कि हमने इसे कॉलम वाइज किया, 1, 2, 3, 4, 5। और 5 में कितने हैं बॉटल्स, ईच कॉलम में कितने बॉटल हैं, 1, 2, 3, 4। तो 5 times 4, तो 5 4 20, या हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 5 times 4 है तो हम 4 को 5 times लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इसी तरीके से आप ये भी कर सकते हैं, हाउ मैनी एग्स, इसी तरीके से हमने लिखा है इसमें 5 times 6। तो आप इसे कॉलम और रोज दोनों के तरीके से कर सकते हो। ये है आपका प्रैक्टिस टाइम, रीराइट यूजिंग द प्लस साइन। इसमें प्लस के साइन लगाने हैं, 2 multiplied by 5, इसका मतलब क्या होता है, 2 times 5। ठीक है, 2 times 5 और 5 plus 5, यानी कि 5 जो है वो 2 times है। इसी तरीके से 18, इसमें कितने टाइम्स है, 4 times है, तो 4 times 18, यानी कि 18 को 4 times आपको ऐड करना है। 3 multiplied 20 का मतलब होता है 3 times 20, यानी कि 20 जो है वो 3 times होगा, तो आप 20 को 3 times लिख देंगे। 8 multiplied by 9 का मतलब है 8 times 9, यानी कि 9 को आपको 8 times लिखना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस तरीके से ये रिपीटेड एडिशन हो गया आपका। अब इसमें आपको रिपीटेड एडिशन में दिया है, इसमें आपको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब इसमें आपको दिया है, जैसे आपको ये बताया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 times क्या है, 9 है, तो 6 times 9 को हम कैसे लिखेंगे, 6 multiply 9, और 6 9 = 54। इसी तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 4 जो है कितने टाइम्स है, 5 times, तो 5 पहले आ गया और 4, 5 4 = 20। इसी तरीके से आपको बाकी के ये सॉल्व करने में, एक तो आपको बता देती है, बाकी आप खुद करेंगे। 8 + 8 + 8, यानी कि 8 जो है कितने टाइम्स है, 3 times, जो टाइम्स वाला नंबर होता है वो आपको पहले लिखना है। ठीक है, तो 3 multiplied by 8 कितना हो गया, 3 8 = 24, तो आपको टेबल लर्न होनी चाहिए। इसी तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 times 3, तो हमने लिख दिया 5 times 3, तो 5 3 = 15। तो बाकी के क्वेश्चन आप इसी तरीके से इसमें फिल करेंगे और यहाँ पे इनके आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट है आपकी वर्ड प्रॉब्लम है, रामू बोट 4 packets ऑफ बिस्किट्स, ईच पैकेट हैज़ 4 biscuits, हाउ मैनी बिस्किट डिड रामू बाय। रामू ने 4 packets बिस्किट के खरीदे और हर एक पैकेट में 4 biscuits थे, तो उसने कितने बिस्किट रामू ने बाय किए, यानी कि 4 packets थे और उसमें 4 ही बिस्किट थे, तो 4 4 = 16। और इसे अगर रिपीटेड एडिशन में लिखना पड़ेगा तो 4 times 4, तो हमने 4 को 4 times ऐड कर दिया, तो 16 आ गया आंसर। नेक्स्ट है, देर आर 12 desks इन अ क्लासरूम, ईच डेस्क हैज़ 4 legs, वॉट इज़ द टोटल नंबर ऑफ लेग्स ऑफ द डेस्क। एक क्लासरूम में 12 desks हैं और हर एक डेस्क के 4 legs हैं, तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने होगा डेस्क में, तो हमारे डेस्क कितने हैं 12, और उसमें हर इसमें कितने लेग्स हैं 4, तो 12 4 = 18। इसका मतलब है 4 कितने जो है वो 12 times होगा। ठीक है, 4 जो है 12 times लिखेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 + 7, इसके बाद आपको 12 तक लिखना है, तो आंसर बाद में आपका आ जाएगा 48। ठीक है, आपको 12 तक लिखना है इसको। सबिया ब्रॉट होम 3 bunches ऑफ फ्लावर्स, ईच बंच हैज़ 4 flowers, हाउ मैनी फ्लावर्स वर देयर। सबिया ने 3 bunches ऑफ फ्लावर्स खरीदे और हर बंच में 4 flowers है, तो कितने फ्लावर्स हुए टोटल, तो उसने कितने बंचेस खरीदे थे, 3, और हर बंच में कितने थे फ्लावर, 4, तो 3 multiplied by 4 = 12। इसका मतलब क्या हुआ, 3 times 4 है ना, तो 4 को हमें कितने टाइम्स लिखना है, 3 times, तो 4 + 4 + 4 + 4, तो 12 हो गया। इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 1 rail coach हैज 8 wheels, हाउ मैनी व्हील्स इन ऑल 6 coaches, यानी कि 1 rail coach में 8 wheels हैं, तो हाउ मैनी व्हील्स इन ऑल, तो 6 coach में, मतलब 1 coach में 8 है, तो 6 में कितनी होंगी, तो 6 की हमने मल्टीप्लाई 8 times की दी, 6 8 = 48, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 8 जो है वो 6 times होगा, यानी कि हमें 8 को 6 times लिखना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 times 8 लिखिए और इसको ऐड कर दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 48। दोनों का सेम ही आंसर आएगा, रिपीटेड एडिशन से भी और मल्टीप्लाई फॉर्म से भी। तो ये था रिमेनिंग पार्ट, हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।